नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होगा स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव। प्रदेश सरकार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा करवाएगी उपलब्ध। पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने दी जानकारी। मंगलवार को जनपद के 5 सरकारी अस्पतालों सहित नंदानगर स्थित टीवी अस्पताल पर मॉक ड्रिल कर किया गया कोरोना से जंग की तैयारियों की समीक्षा। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा 108 बिंदुओं पर तैयारियों की कसौटी पर पूरी की गई रिहर्सल। मॉक ड्रिल के बाद रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अस्पतालों में उपकरण और अन्य व्यवस्थाओं की कमियों को किया जाएगा दुरुस्त। गौ तस्करी करने वाले 50,000 के इनामी अभियुक्त तौसीफ आलम को गोरखपुर के एसटीएफ इकाई की टीम ने किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल, 1 आधार कार्ड, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 1 रेलवे टिकट, 230 रुपया नकद किया बरामद, भेजा जेल। रविवार की रात युवती ने फंदे से लटक कर की आत्महत्या। मामला गोरखनाथ थाना क्षेत्र का। एसएसपी ने कहा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। परिजनों की तहरीर पर किया गया मुकदमा पंजीकृत। की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। अपने साथी को दावत के बहाने बुलाकर हत्या करने वाले काजन मिश्रा उर्फ विशाल मिश्रा व उसके अन्य 3 साथियों मुन्ना उर्फ दिनेश, शैलेंद्र यादव, प्रदीप कुमार के ऊपर कोतवाली थाने के पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी सिटी ने दी जानकारी। मारपीट व धोखाधड़ी करने वाले गैंग लीडर समेत 4 अपराधियों प्रशांत कुमार भारती, रियाजुद्दीन, अचलाल और अमित कुमार के ऊपर चौरी चौरा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एएसपी सीओ चौरी चौरा ने दी जानकारी। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड दिल्ली के निर्देश पर नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने महानगर के कई जगहों पर पॉलीथीन के खिलाफ चलाया अभियान। प्रतिबंधित पॉलीथीन को किया गया जब्त, काटे गए चालान, वसूला गया जुर्माना। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के तत्वावधान में अटल भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में कई कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर अटल जी के जीवन पर सुनाई कविता। प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को किया जाएगा सम्मानित। गुरु गोविंद सिंह के चारों साहबजादे एवं माता गुर्जर कौर की शहीदी को समर्पित जटाशंकर गुरुद्वारे में कीर्तन का किया गया आयोजन। चारों साहबजादों का किया गया वर्णन। और नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रखंड की महिला वार्डनों के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। 30 महिला वार्डनों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। सिविल डिफेंस के उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह ने कहा निस्वार्थ सेवा भाव से नागरिक सुरक्षा के हर सदस्य आपदा व सामाजिक गतिविधियों में निरंतर प्रदान करते रहते हैं अपना सहयोग। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव नहीं होगा, जिसके संबंध में पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि हाई कोर्ट ने निकाय चुनाव को बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का निर्देश दिया है, जिसको सरकार मानेगी। लेकिन भाजपा पिछड़े वर्ग के लोगों को ओबीसी आयोग बना करके उसको संवैधानिक दर्जा दिलाकर मान्यता दी है। इस चुनाव में भी सरकार ने जो अपना पक्ष रखा था उसमें भी ओबीसी आरक्षण की बात थी। अब राज्य निर्वाचन आयोग जो भी निर्णय लेगा उस पर पार्टी तैयार है। उस तैयारी के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और निकाय चुनाव में भी सबसे ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाएंगे और जनता के हित के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग जो निर्णय लेगा भाजपा उनके निर्देशों का पालन करेगी। सरकार ने फैसला लिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाकर ओबीसी आरक्षण के लिए एसएलपी दाखिल करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। उसके बाद ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा देखिए कोर्ट जो भी आदेश देगा सरकार उसको मानेगी, लेकिन कुल मिलाकर करके भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के लोगों को
ओबीसी का आयोग बना कर करके उसको संवैधानिक दर्जा दे करके मान्यता दी है। इस चुनाव में भी जो सरकार ने अपना पक्ष रखा था उसमें ओबीसी आरक्षण की बात थी। आज जब कोर्ट ये कर रहा है तो चुनाव आयोग जो भी निर्णय देगा उस निर्णय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी तैयार है और उस तैयारी के साथ जो है चुनाव हम लड़ेंगे। और त्रिस्तरीय जो सरकार है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और उसके बाद स्थानीय सरकार, तो जिसमें निकाय का चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तरह से ही बहुमत लेकर के जो है सरकार बनाएगी और जनता के हित के लिए कार्य करेगी। हम तो पार्टी के स्तर पर चुनाव तैयार हैं, सरकार को निर्णय लेना है और आयोग को निर्णय लेगा। सरकार और आयोग जो भी निर्णय ले, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के नाते अपने योग्य कार्यकर्ताओं को उसमें ला करके चुनाव लड़ाने का काम करेगी। चाइना, जापान, अमेरिका समेत कई देशों में नए कोरोना वायरस के वेरिएंट के कहर को देखते हुए शासन ने एक बार फिर कोरोना से जंग की तैयारियां तेज कर दी है। मंगलवार को जनपद के 5 सरकारी अस्पतालों सहित नंदनगर स्थित टीबी अस्पताल पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे के नेतृत्व में मॉक ड्रिल किया गया तथा 108 बिंदुओं पर तैयारियों को परखा गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि शासन के निर्देश पर ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही कोविड 19 के हर बेड पर पहुंचने वाली ऑक्सीजन प्रेशर की जांच की गई है। इसके साथ ही मरीज को किस तरह से अस्पताल और वार्ड तक पहुंचाना है, इसकी व्यवस्था को भी परखा गया है। किसी भी तरह की तैयारियों में कमियों को दुरुस्त करना ही हमारा उद्देश्य है। हर अस्पताल पर निगरानी के लिए एक एक नोडल ऑफिसर को तैनात किया गया है। कैंपियरगंज, बड़हलगंज, हरनई और चौरी चौरा में एडिशनल सीएमओ की देखरेख में पूरी रिहर्सल की गई। मॉक ड्रिल के बाद रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अस्पतालों में उपकरण और अन्य व्यवस्थाओं की कमियों को दुरुस्त किया जाएगा। मॉक ड्रिल में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, एम्बुलेंस चालक, फार्मासिस्ट, एलटी मौजूद रहे। वार्डों में ऑक्सीजन प्लांट, लैब की मशीनों की पड़ताल भी की गई, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। तथा मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल में पावर बैकअप, हैंड वॉश की फैसिलिटी, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्स और कर्मचारियों की संख्या को भी ध्यान में रखा गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे एवं टीवी अस्पताल के मेडिसिन फिजिशियन आशुतोष राय ने कहा, इसको लेटा जाए।
सारे स्टाफ हैं यहाँ। हाँ मरीज अगर मास्क यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट पर ऑक्सीजन चेक करना होगा, वेंटिलेटर बाईपैप और एचएफएनसी तो सर ये बैठेंगे इधर करके सीढ़ी से अलाउड ही नहीं। एक्सपायरी देखनी है ना मैं डॉक्टर एन के सारी इमरजेंसी ड्रग्स हैं आपके पास? सर 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 इधर सर अरे भैया Thank you.
भैया एक मोबाइल मोबाइल कब पे चार मिनट है कंसंट्रेशन क्या है पहले आप सीरियस कंसंट्रेशन देख लो अगर नॉर्मल है तो अरे पंखे भैया मोबाइल बड़े भाई थोड़ा सा के लिए हमारे पास 30 आईसीयू बेड्स 30 एसडीयू बेड्स और 30 नॉर्मल बेड के लिए हम लोग प्रिपेयर हैं। 80 बेड्स पे हमारे पास ऑक्सीजन पाइपलाइन के साथ है, बाकी 10 बेड जो है उसके लिए कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट आता है तो हमारे पास तैयारियाँ 90 बेड पर पूरी तैयारी है। ठीक है जी, डॉक्टर कितने? डॉक्टर्स की टीम अभी हमारे पास 8 की टीम है हमारे हॉस्पिटल में, लेकिन बाकी जो डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी और स्टाफ की मैन पावर की ज़रूरत होगी वो CMO साहब ने कहा है कि जब भी ज़रूरत होगी, ड्यूटी लिस्ट लगा हुआ है, जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी उनको डिप्लॉय कर दिया जाए। आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है और इसमें जो है आत्मलोकन अपने मरीजों का पुनरीक्षण है और अपने कर्मचारियों की ट्रेनिंग स्टेटस और कोविड के दृष्टिगत रखते हुए हमारी क्या तैयारियाँ हैं इसके लिए हम लोगों ने किया है और हमारी मॉक ड्रिल में हमारा यह सेंटर पास पाया गया। मॉक ड्रिल गोरखपुर में BRD मेडिकल कॉलेज में WHO कर रहा है, यहाँ पर मैं स्वयं खड़ा हूँ वर्तमान समय में। इसके अलावा कैंपियरगंज, बड़हलगंज, हरनही और चौरी चौरा में हमारे एडिशनल CMOs कर रहे हैं। टीबी अस्पताल में हमारे पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, L2 का अस्पताल है, यहाँ पर आवश्यक औषधियाँ उपलब्ध हैं, हमारे उपकरण उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है, वेंटिलेटर हैं, सभी सुविधाएं पूर्ण हैं और पूरी तरह से हम तैयार हैं, लेकिन प्रभु करें कि कोविड ना आवे। जनता से अपील यही है कि कोविड के नियमों को लेकर के सजग और सतर्क रहें। जो कोविड का सिद्धांत है ट्रेस टेस्ट ट्रीट टीका और अवेयरनेस, उसके बारे में रहें। बच्चे, बीमार, बुजुर्ग भीड़ भाड़ के स्थान पर ना जाएं, अगर जाते हैं तो मास्क लगा के जाएं। गोरखपुर SGF इकाई ने गौ तस्करी करने वाले 50,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SGF के प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को तरंग रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान तौसीफ आलम पुत्र गुलाम वारिस शेख निवासी ग्राम सिमरा हरदो पोस्ट कठकुया
थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक देसी तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक मोबाइल, एक आधार कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस, एक रेलवे टिकट, 230 रुपए नगद बरामद किया। एसटीएफ प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त अपने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कई वर्षों से गौ तस्करी में लिप्त हैं। वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चिलवा ताल, गुलेरिया, शाहपुर, कैंच, खोराबार, रामगढ़ ताल, तिवारीपुर, पिपराइच, राजघाट, जनपद गोरखपुर एवं जनपद कुशीनगर में घुमंतू पशुओं को उछाकर विशेषता गोवंश को तस्करी का काम करता है। इस दौरान यदि पुलिस टीम आती है तो वह अपने वाहन से जान से मारने की नियत से उनके वाहन में टक्कर मारकर वह अपने साथी के साथ मिलकर ये लोग पत्थरबाजी भी करते हैं तथा कभी कभी पुलिस टीम पर गोली भी चलाते हैं। इसके अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जा रही है, जिसके संबंध में कई थानों में मुकदमा पंजीकृत था और 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एसटीएफ प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह, हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह, अशोक सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, चंद्रभूषण सिंह, विनय सिंह, भूपेंद्र सिंह, कांस्टेबल अंकित सिंह शामिल रहे। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। गोरखनाथ थाना क्षेत्र में युवती ने फंदे से लटककर आत्महत्या की, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि थाना गोरखनाथ में एक बालिका की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची गोरखनाथ थाने की पुलिस ने परिजनों की उपस्थिति में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौके का फॉरेंसिक टीम के द्वारा जाँच कराई गई, घटनास्थल की वीडियोग्राफी कराई गई। सोमवार को डॉक्टर के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। मंगलवार की सुबह परिजनों के द्वारा शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजनों की तहरीर पर गोरखनाथ थाने पर मुकदमा अंकित किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की जा रही है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। इस घटना की निष्पक्ष विवेचना कराने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा, पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है, जल्द ही विवेचना को पूरा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव क्रोअर ने कहा, देखिए ये थाना गोरखनाथ में 25 तारीख को एक बालिका की मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर परिजनों के उपस्थिति में शव को कब्जे में लिया गया, फोरेंसिक टीम से पूरी जांच कराई गई और उसकी वीडियोग्राफी कराई गई। नियमानुसार जो शव है उसको पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कल पोस्टमार्टम की कार्रवाई पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा की गई, उसके उपरांत शव जो है वो परिवारीजनों को दे दिया गया। आज परिवारीजनों द्वारा सुबह उस शव का जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया गया है।
परिवारजनों द्वारा इस घटना के संबंध में एक प्रार्थना पत्र थाना गोरखनाथ पर उपलब्ध कराया गया, जिसके आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस मुकदमे की विवेचना प्रचलित है। साक्ष्यों के आधार पर, पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स के आधार पर और परिवारजनों द्वारा जो भी इसमें अपने स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, सभी परिस्थितियों को और सभी साक्ष्यों को संज्ञान में लेते हुए इसकी निष्पक्ष विवेचना कराए जाने के निर्देश दे दिए। देखिए, अभी परिवारजनों से इसमें डिटेल में बात हो रही है। जो भी वो अपनी बात बताएंगे, उन सभी साक्ष्यों को संज्ञान में लिया जाएगा। जिन परिस्थितियों में घटना घटित हुई है, परिस्थिति जन साक्ष्य को भी संज्ञान में लिया जाएगा। फॉरेंसिक द्वारा जो वहाँ पर जाँच की गई है और जो भी बाकी अन्य चीज़ें संज्ञान में आएंगी, सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए निष्पक्ष विवेचना सीनियर अधिकारियों के पर्यवेक्षण में कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोतवाली थाने की पुलिस ने 4 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि कोतवाली थाने की पुलिस ने 4 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान काजन मिश्रा उर्फ विशाल मिश्रा पुत्र राम बिहारी मिश्रा निवासी अलीनगर चौबे टोला थाना कोतवाली, दूसरा मुन्ना उर्फ दिनेश कुमार पासवान पुत्र रामचंद्र निवासी दुर्गावाड़ी रोड निकट गंगेज होटल थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर, तीसरा शैलेंद्र यादव पुत्र लालजी यादव निवासी अलीनगर मानस टाकीज के पीछे थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर, चौथा प्रदीप कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय जमुना सिंह अंधियारी बाग रामलीला मैदान के पीछे थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि 5 जुलाई को वादनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कि उसके पति को दावत के बहाने अभियुक्त शैलेंद्र यादव के घर पर बुलाकर अभियुक्त गढ़ काजन मिश्रा शैलेंद्र यादव प्रदीप कुमार सिंह मुन्ना द्वारा मिलकर गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसके आधार पर कोतवाली थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अभियुक्तों द्वारा अपने साथी रोहित सिंह को भी दावत के बहाने बुलाकर हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया। अभियुक्त गढ़ों की अपराध की प्रवृत्ति के आधार पर जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में पिछले काफी महीनों से गैंगस्टर अधिनियम के तहत विभिन्न मुकदमों में विभिन्न माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। उसी कार्रवाई के अनुक्रम में एक और अच्छी कार्रवाई थाना कोतवाली द्वारा की गई है, जिसमें उन्होंने 4 और 5 जुलाई की रात को एक मर्डर हुआ था, जिसमें एक रोहित नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी उसके दोस्त के द्वारा फायर करके, और उसमें और भी उसके अन्य साथी मौजूद थे। तो उसी अनुक्रम में विशाल मिश्रा, दिनेश पासवान, शैलेंद्र यादव और प्रदीप सिंह, इस तरह के 4 लोगों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और ये लोग ऑलरेडी जेल में निरुद्ध हैं और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चौरी चौरा थाने की पुलिस ने मारपीट व धोखाधड़ी करने वाले 4 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके संबंध में एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक ने बताया कि चौरी चौरा थाने की पुलिस ने 4 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिनकी पहचान प्रशांत कुमार भारती उर्फ सोनू पुत्र प्रदीप कुमार निवासी इब्राहिमपुर थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर, दूसरा रियाजुद्दीन पुत्र रहीम खान निवासी बरसैनी टोला उजरी पट्टी थाना पिपराइज गोरखपुर, तीसरा अक्षय लाल पुत्र हरि निवासी बरौली थाना पिपराई जनपद गोरखपुर, चौथा अमित कुमार पुत्र रामदर्श निवासी इब्राहिमपुर थाना चौरी चौरा गोरखपुर के रूप में हुई है। सीओ चौरी चौरा ने बताया कि गैंग लीडर प्रशांत कुमार अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु आए दिन आम जनमानस से मारपीट करना व धोखाधड़ी जैसे अपराध कारित करते हैं। इस गैंग के लीडर व सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक ने कहा, एसएसपी महोदय द्वारा संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना चौरी चौरा में एक शातिर बदमाश प्रशांत कुमार भारती और उसके गैंग के 3 अन्य सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होगा स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव। प्रदेश सरकार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा करवाएगी उपलब्ध। पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने दी जानकारी।
मंगलवार को जनपद की 5 सरकारी अस्पतालों सहित नंदानगर स्थित टीबी अस्पताल पर मॉक ड्रिल कर किया गया कोरोना से जंग की तैयारियों की समीक्षा। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा 108 बिंदुओं पर तैयारियों की कसौटी पर पूरी की गई रिहर्सल। मॉक ड्रिल के बाद रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अस्पतालों में उपकरण और अन्य व्यवस्थाओं की कमियों को किया जाएगा दुरुस्त। गौ तस्करी करने वाले 50,000 के इनामी अभियुक्त तौसीफ आलम को गोरखपुर के एसटीएफ इकाई की टीम ने किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल, 1 आधार कार्ड, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 1 रेलवे टिकट, 230 रुपया नगद किया बरामद, भेजा जेल। रविवार की रात युवती ने फंदे से लटक कर की आत्महत्या। मामला गोरखनाथ थाना क्षेत्र का एसएसपी ने कहा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। परिजनों की तहरीर पर किया गया मुकदमा पंजीकृत, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। अपने साथी को दावत के बहाने बुलाकर हत्या करने वाले काजन मिश्रा उर्फ विशाल मिश्रा व उसके अन्य 3 साथियों मुन्ना उर्फ दिनेश, शैलेंद्र यादव, प्रदीप कुमार के ऊपर कोतवाली थाने के पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी सिटी ने दी जानकारी। मारपीट व धोखाधड़ी करने वाले गैंग लीडर समेत 4 अपराधियों प्रशांत कुमार भारती, रियाजुद्दीन, अचलाल और अमित कुमार के ऊपर चौरी चौरा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एएसपी सीओ चौरी चौरा ने दी जानकारी। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड दिल्ली के निर्देश पर नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने महानगर के कई जगहों पर पॉलीथीन के खिलाफ चलाया अभियान। प्रतिबंधित पॉलीथीन को किया गया जब्त, काटे गए चालान, वसूला गया जुर्माना। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के तत्वावधान में अटल भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में कई कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर अटल जी के जीवन पर सुनाई कविता। प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को किया जाएगा सम्मानित। गोविंद सिंह के चारों साहबजादे एवं माता गुर्जर कौर की शहीदी को समर्पित जटाशंकर गुरुद्वारे में कीर्तन का किया गया आयोजन। चारों साहबजादों का किया गया वर्णन। और नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रखंड की महिला वार्डनों के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। 30 महिला वार्डनों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। सिविल डिफेंस के उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह ने कहा निस्वार्थ सेवा भाव से नागरिक सुरक्षा के हर सदस्य आपदा व सामाजिक गतिविधियों में निरंतर प्रदान करते रहते हैं अपना सहयोग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम की प्रवर्तन दल की प्रभारी कर्नल सीपी सिंह के नेतृत्व में महानगर की कई जगहों पर पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया गया तथा चालान भी काटे गए, जिसके संबंध में कर्नल सीपी सिंह ने बताया कि पिछले 3 सालों से जनपद की सेवा कर रहा हूं। कई बार पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया गया लेकिन इसके बावजूद भी सब्जी और फल वाले पॉलीथीन में सामान दे रहे हैं, इनको समझा कर पूरी तरह से थक गया हूं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के लिए अच्छे से अच्छा काम कर रही है लेकिन लोग सहयोग नहीं करते हैं। 1 जुलाई से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में पॉलीथीन को प्रतिबंध कर दिया है। उसी के तहत सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड दिल्ली से चिट्ठी प्राप्त हुई है, इसके तहत उनके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो भी पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी पर दिल से काम करते हैं कि शहर को कैसे साफ रखा जाए। उन्होंने कहा कि लगातार पब्लिक को जागरूक किया जाता है तथा समझाया जाता है कि शहर को साफ रखें, किसी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं। इस पॉलिथीन से कई तरह की बीमारियां होती हैं तथा अगर कोई भी जानवर खाता है तो इस पॉलिथीन से उसकी मृत्यु हो जाती है और नाली में पॉलिथीन जमा होने से नाले का जल प्रवाह रुक जाता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में पॉलिथीन के खिलाफ 3,000 से 4,000 रुपए का चालान किया गया। इस अभियान में आर के पांडे, एसपी शर्मा, कामेश्वर सिंह सहित अन्य टीम मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने कहा शर्मा कहाँ गया? शर्मा कहाँ है? शर्मा कहाँ है? शर्मा
छोड़ो मैं छोड़ रहा हूँ, दोबारा गलती नहीं करना इस तरह। पहले ईमानदार खुद रहो और ईमानदार सबको रहने दो। मानेंगे तैयार नहीं, इन लोगों को भाई जी समझाए थे परसों। अंदर मेरा गला फट चुका है और मेरी दिमाग फट चुका है, दिमाग मेरा फट चुका है और मैं तंग हो चुका हूँ, मैं तंग हो चुका हूँ। तुमको पहले बता रहा, नहीं नहीं सवाल वो नहीं है, चलान करो, थोड़े थोड़ा चलान होगा, चलान होगा, कुछ नहीं चलान करो, उसको 200 रुपए भाई जी समझा के लिख देंगे ना। अभियान हमारा इसके पॉलिथिन के खिलाफ चल रहा है, अगले 3 साल से मैं शहर में हूँ, हर दिन मैं सलाह समझा के थक चुका हूँ मतलब, और चलान देने ही बहादुरी नहीं, इनको मैंने समझाया, इनको वार्निंग दी, एन नंबर ऑफ काउंसलिंग की, इसके बाद भी लोग नहीं मान रहे, मतलब वो एक ढीट होता ना ढीट, वो ढीट हो चुके हैं, थक चुका हूँ। फिर बोलेंगे जब जल जमाव के अंदर कि जल जमाव हो गया, सरकार काम नहीं करती है, जब सरकार काम करती हो तुम सहयोग नहीं करोगे। तो पॉलिथीन के खिलाफ अभी 1 जुलाई से प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इसको प्रतिबंध कर दिया है, उसी के तहत एक चिट्ठी हमें प्राप्त हुई थी सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली से, जिसके अंदर 4 दिन का एक अभियान चलना, से पहले मैंने भी एक लखनऊ से चिट्ठी आई थी। हमारा रूटीन चलता रहता है, हम चिट्ठियों का इंतजार नहीं करते हैं, एक बार सरकार ने पॉलिसी बना दी हम उस पर हम लोग दिल से हम लोग काम करते हैं कि मतलब इस शहर को कैसे हम लोग साफ रखें। तो साफ अकेला सिर्फ परिवर्तन दल का काम नहीं है, बिना पब्लिक के सहयोग के हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। हम पब्लिक को जागरूक करते हैं, पब्लिक को समझाते हैं कि भाई मेरे इसका 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 ये इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में आप कहीं के नहीं रहोगे। फिर बोलेंगे साहब फैक्ट्री नहीं बंद कराते हैं, अरे फैक्ट्री यहाँ है हमको बताया, हम चल के बंद कराएंगे, फैक्ट्री यहाँ पे नहीं, कहाँ से आ रहा है, रात में चोरी छुपे आता है, हमारी टीम थोड़ी सी है, हम लोग दिन भर इस पे काम करते हैं और इसके बाद भी लोग मानते नहीं है। हमने इस मार्केट में कम से कम कोई भी दुकानदार से आप पूछ सकते हैं कि जिसको मैंने समझाया नहीं, हमारा काम दंड देना ही नहीं है, हमारा काम है काउंसिल करना, समझाना, उसके दुष्परिणाम बताना, इसके बाद आदमी को अकल आनी चाहिए। आज कई जगह मैंने शहर में अभियान चलाया, आज मैंने वो पैरेलल में स्टार्ट किया था, पैरेलल के अंदर पूरा जो लोकल उनका वो है जो फ्लावर्स वाले हैं उन पे अभियान चलाया, ठेले वाले थे,
इसके बाद फिर यहाँ पे आया, फिर इधर लिट्टी चोखे वाले उनके पास था, तो कई जगह विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में आज हम लोगों ने अभियान चलाया है। और हमारा काम सिर्फ चलान करना मकसद नहीं, चलान करना बहुत छोटा काम है, हमें समझाना है वो कि भाई मेरे पॉलिथीन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो, उससे कि झोला लेके आओ, आप इतनी मेहनत से मजदूरी करते हो और सरकार को आप क्यों चलान भरो, आप अपनी आदत सुधारो, हमारा काम है। तो अभी मैंने काफी इनको मैं काउंसिल कर रहा हूं, उनको समझा रहा हूं कि दोबारा ये काम ना करें, गंदा काम है। आज झोला लेके पहले क्या था, पॉलिथीन तो अगले 30-40 साल की से पहले आई, उसके पहले पॉलिथीन थी नहीं, हर आदमी अपने घर से झोला लेके आता था और सामान सब्जी लेके जाता था, तो वो आदत खत्म हो गई है, सब नवाब बन चुके हैं। तो नवाब चलान अभी 300 में बराबर पता पड़ने पड़ेगा पांडे का, अभी तक कितना चलान हुआ है टोटल, ऐसे अंदाजा मोटा मोटा बताओ मेरे को, करीब 3-4 हजार तक का हम चलान कर सके। मैं मेरा मकसद नहीं है कि मैं किसी को तंग करूं, किसी को परेशान करूं, मेरा मकसद है कि इनको समझाया जाए, और समझा समझा के मेरा गला फट चुका है, और 3 साल में सेल में मैं थक चुका हूँ, मतलब लोग मानते नहीं, आगे नहीं आ रहे हैं, बढ़ के बीच में फर वाले मान गए थे, हमें बड़ी खुशी होती थी, फिर जैसे मैं हटता हूँ फिर शुरू कर देते हैं, तो गलत है, मतलब वो आदमी को डरने की जरूरत ही नहीं है यार, हम अच्छा काम करेंगे, हम अच्छा रहेंगे, बहुत सुधर गए थे फिर शुरू हो गए, हमारे पास छोटी सी टीम है, शहर में मेरे को अतिक्रमण का भी काम करना है, मेरे को जल जमाव में मेरे को काम करना है, पॉलिथीन पे काम करना है, इसके बाद दूसरी कचरे पे काम करना है, नाले पे काम करना, 1000 काम हमारे पास होते हैं रोज, हमारे पास जन सुनवाई में शिकायतें आती हैं, साहब इसने मेरा धर्म आगे अपना ये कब्जा कर लिया, किसी ने गाय बांध ली, किसी ने कुछ कर लिया, तो परिवर्तन दल के पास 1000 काम होते हैं, दिन भर हम लोग काम करते रहते हैं, पर हमारा जो एक मकसद था, जो आने का था कि हम इनको समझा ले जाएंगे, मगर ये समझने को तैयार नहीं है, तो मेरे को भी होता है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद पब्लिक नहीं समझ रही, पब्लिक को समझना चाहिए। हमने स्कूल में बच्चों को बताया, बेटा इसके दुष्परिणाम ये गाय खाती, गाय मर जाती है, आज नाली चोक हो जाती है, ये होता है, हमने तमाम चीजें समझाई इनको, मगर वो तभी हो सकता है पॉसिबल जब ये इनकी भागीदारी हो, हमने इनको ठेले वाले हमारे दुश्मन थोड़ी ना, हमने तो आज तक ठेले वालों को, मतलब ऐसा कोई ठेले वाला शहर में नहीं बोल सकता कि कर्नल साहब की टीम में कोई हमसे 5 पैसे लिए हो, सब्जी ली हो, ये लिया हो, वो लिया होगा, किसी की हिम्मत नहीं है, मतलब आप ईमानदारी से काम किया था, दिल से था कि चलो मौका मिला सरकार ने, आफ्टर रिटायरमेंट कोई मौका दिया सरकार ने, तो हम भाजपा युवा मोर्चा के तत्वावधान में बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर अटल भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखित कविता को भाषण प्रतियोगिता में स्थान दिया। इस अवसर पर भाजपा के महानगर महामंत्री अच्युतानंद शाही ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से निश्चित रूप से देश के निर्माण में युवाओं की महती भूमिका के मजबूत इरादों को बल मिलता है। अटल जी का जीवन सदैव युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगा, जिसके संबंध में भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ ने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर महानगर कार्यक्रम को कराने के उपरांत गर्व की अनुभूति महसूस कर रहा है और गोरखपुर के युवाओं को सम्मानित करने पर हर्ष महसूस करता है। इस प्रकार के आयोजनों से निश्चित रूप से युवाओं की प्रतिभा को भारतीय पटल पर आने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि भाषण प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कार्यकर्ताओं को गोरखपुर क्षेत्र में भेजा जाएगा, उसके बाद क्षेत्र से 3 लोग प्रदेश में जाएंगे और भाजपा के बड़े नेता प्रदेश लेवल पर सम्मानित करेंगे और हर प्रदेश से 3 लोग दिल्ली जाएंगे, वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य दिल्ली में सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर रजत गुप्ता, विशाल पांडे, अभिनव एबट, हर्ष श्रीवास्तव, आकाश श्रीवास्तव, आलोक आनंद, अभिषेक श्रीवास्तव, रामकेश त्रिपाठी, सौरभ दुबे, दुर्गेश पाल, आनंद मिश्रा, अनामिका सिंह, शुभम मिश्रा, राहुल पांडे, विजय जायसवाल, शिवम सिन्हा, रंजीत गुप्ता, केसरी नंद, अनमोल अग्रहरी, साकेत सिंह तथा अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा ने कहा, विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया करके अपने स्थान पर खड़े होकर के वंदे मातरम गीत गान के लिए शुरुआत करें। तुम दर सो बिनी सुहा
सभी के बीच में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोकप्रिय क्षेत्रीय मंत्री व इस कार्यक्रम के संयोजक ऐसे बड़े भाई अभिषेक दुबे जी, आपका खूब इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। श्री सत्यार्थ मिश्रा जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अच्युतानंद शाही जी, जो की भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोकप्रिय महामंत्री व इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री रजत गुप्ता जी से के बारे में की एक कविता पेश करना चाहूंगा। भूखों को गोली नंगों को हथियार दिलाए जाते हैं, भूखों को गोली नंगों को हथियार दिलाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर कराची ढाका पर मातम की है काली छाया, लाहौर कराची ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तनों पर गिरगिट पर है गमगीन गुलामी की छाया। बस इसीलिए कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, थोड़े दिन की मजबूरी है, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिरगिट से लेके गारा का पूरा सम्राट बनाएंगे, दिन दूर नहीं पंडित भारत का पूरा अखंड बनाएंगे। उस स्वर्ग दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करे, आज से कमर कसे बलिदान करे, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करे। और हम कहीं भी गए आसानी से हम कैसे भी टिकट भी बुक कर सकते हैं ट्रेन के बारे में। और नरेंद्र मोदी जी के इस अभियान से हमारे देश में प्रगति बेरोजगारी से छुटकारा पाके हमारे आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता युवा मोर्चा आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में पूरे भारत के हर जिलों में अटल जी की जन्म जयंती पर अटल जी का एक भाषण प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिला स्तर पे। इसमें दो तीन स्वरूप बनाए गए हैं, जैसे हर जिले में 50 लोगों को आज तीन तीन मिनट भाषण देना है। विषय चार विषय हम लोगों ने दिया हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता और नॉन बीजेपी कार्यकर्ता इसमें भाग ले रहे हैं, जो कॉलेज इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं। यहाँ से 50 लोग बोलेंगे, उसमें से तीन प्रथम द्वितीय और तृतीय, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आएगा उसको गोरखपुर क्षेत्र में, वो क्षेत्र में जाएगा। फिर क्षेत्र से तीन लोग प्रदेश में जाएंगे और प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उनको वहाँ प्रदेश लेवल पे सम्मानित करेंगे। फिर वहाँ से हर स्टेट से तीन लोग दिल्ली जाएंगे, आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी उनको सम्मानित करेंगे। इसी प्रकार से हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा हर जिले में आज भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह के चारों साहबजादों एवं माता गुर्जर कौर की शहीदी को समर्पित धर्मशाला स्थित जटाशंकर गुरुद्वारा में कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया कि 21 दिसंबर से नमन यात्रा से प्रारंभ होकर प्रतिदिन उनकी स्मृति में पाठ कीर्तन एवं अरदास होते रहे हैं। सर्वप्रथम हजूरी रागी जत्था भाई मनप्रीत सिंह के जत्थे ने कीर्तन द्वारा संगत को निहाल किया। उसके बाद मगहर से पधारे भाई इंद्रजीत सिंह के रागी जत्थे द्वारा कीर्तन किया गया। तत्पश्चात सरदार तजेंद्र सिंह अमृतसरी एवं एक ओंकार सेवा समिति के सरदार तेजपाल सिंह ने साहबजादों एवं माता गुर्जर कौर की शहीदी का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने कहा कि चारों साहबजादों ने देश एवं धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दो बड़े साहबजादे चमकौर की जंग में लड़ते हुए शहीद हुए, दो साहबजादे सरहिंद की दीवारों में जिंदा चुनवा दिए गए। वे अपने धर्म पर अडिग रहे, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। आज हमें भी उनसे शिक्षा लेने की जरूरत है। इस अवसर पर सरदार कुलदीप सिंह, अशोक मल्होत्रा, सरदार रविंद्र पाल सिंह, नितिन मिग्रवानी, सरदार राजेंद्र सिंह, सरदार अमरजीत सिंह, सरदार मनजीत सिंह, केशव जी, नंदलाल जी, सरदार चरणप्रीत सिंह, गुरमीत कौर, देविंदर कौर, प्रीतम कौर, जसविंदर कौर, सीमा, दुर्गा, पार्वती देवी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, लड़िया
जसपाल सिंह अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर में चारों साहबजादों माता गुजर कौर जी का शहीदी सप्ताह मनाया जा रहा था, उसका समापन है। चारों साहबजादों की लासानी शहादत को हम भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने देश कौम एवं धर्म की रक्षा के लिए बाल्यावस्था में 7 साल 9 साल 14 साल 17 साल में अपने प्राण इस देश की धरती के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने न्यौछावर कर दिए थे। आज हम उनको नमन कर रहे हैं। यहाँ पर सुबह से कार्यक्रम चल रहे हैं, बाहर से रागी जत्थे आए हुए, कीर्तन चल रहा है। अभी अरदास हो के उपरांत गुरु का अटूट लंगर बरतेगा। यहाँ पर आज हम लोगों ने 21 तारीख को यहाँ पर नमन यात्रा भी निकाली थी, उसी शहादत को आज यहाँ पर हम लोग समापन कर रहे हैं। परसों 29 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व हम लोग मोदीपुर गुरुद्वारा में मनाएंगे। धन्यवाद। नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रखंड की महिला वार्डनों का सम्मान समारोह मंगलवार को अलीनगर स्थित एक भवन में आयोजित किया गया। करीब 30 वार्डन महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में सिविल डिफेंस के उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रत्येक वार्डनों के अनुशासन और सेवा कार्यों की जितनी सराहना की जाए कम है। वार्डन समाज और प्रशासन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। महिला वार्डनों की भूमिका मतदाताओं को जागरूक करने, यातायात जन जागरूकता आदि में महत्वपूर्ण रही है। आपदाओं के समय भी कोतवाली प्रखंड के वार्डन अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक व धार्मिक आयोजनों के मौके पर हमारी येलो आर्मी पीले रंग के एप्रिन में अनुशासित ढंग से दिखाई देती है। निस्वार्थ सेवा भाव से नागरिक सुरक्षा के सदस्य हर आपदा व सामाजिक गतिविधियों में निरंतर अपना सहयोग प्रदान करते रहते हैं। इस अवसर पर शालिनी गुप्ता, शालिनी वर्मा, रितिका मिश्रा, हुमैरा खातून, आरजू खान, शिवानी विश्वकर्मा, कुमारी शिक्षा, खुशबू गौड़, मुस्कान इजा खान, सिमरन सहित अनेकों महिला वार्डन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सम्मानित हुई नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डन महिला आरजू खान, शिवानी विश्वकर्मा, रीतिका मिश्रा व हुमैरा खातून तथा सिविल डिफेंस के उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह ने कहा। महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका, डिजास्टर आएगा तो उसमें महिलाएं भी इंजर्ड हो सकती हैं, तो उनको केयर करने के लिए उनको तमाम टीमों में बांध करके उनको आगे लाने का एक प्रयास है। तो इसका डेट उसमें हम लोगों ने लगभग 10 से 20 महिलाओं का सर्टिफिकेट, लगभग 50 महिलाओं को हमारे इस स्थानीय में सम्मानित किया गया है। और सम्मानित करने का मकसद ये है कि हम सेक्टर वार्डन हैं हम भी, और सारी लड़कियों को सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे हम लोग रह के, और काफ़ी सम्मान मिलता है। जहाँ तक लोग नहीं जानते थे, अब काफ़ी लोग जाने लगे हैं और सम्मानित महसूस होता है। और हमने तो 3 साल हो गया है इसमें ज्वाइन किए हुए, और हमारी लड़कियाँ हमारे कोचिंग से चलती हैं, तो उसमें मेहंदी प्रतियोगिता होता है, रंगोली प्रतियोगिता होता है, तो ये लोग फर्स्ट भी आई हैं। तो यही सब बहुत अच्छा लगता है कि एक बहुत अच्छा सम्मान मिला। आज आपको सम्मान किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कोई आपदा हुई या फिर कोई जागरूकता करने के लिए, मतदान जागरूकता के लिए, इसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। रेलवे विश्वकर्मा बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और हम लोग इसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं हमेशा, और लड़कियाँ हमेशा मतलब करती रहती हैं, मैं बुलाती हूँ मतलब करती रहते हैं। महिला सुरक्षा में जैसे कोई मतलब आपदा आ गया तो हम लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं।
मदद करते रहते हैं हम लोग सबको। मोमिना खातून में हम लोगों को बहुत ही अच्छा एक योगदान मिला है और हम लोग इस कार्यक्रम में 2-3 साल से हैं और हम लोग को प्रमाणित भी किया गया है और हम लोगों का एक महिला वार्डन है ये कोतवाली वार्डन, हम लोगों को बहुत ही हम लोगों का सम्मान हुआ और हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है और हम लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं महिला भी कुछ कर सकती है। किस तरह से काम करते हैं आप? हम लोगों का यही है कहीं कुछ प्रोग्राम होता है वहाँ हम लोग जाते हैं, कोई आपदा है या कुछ और भी चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग हमेशा लड़की आगे रखते हैं महिला वार्डन। नमस्कार, मैं सिविल डिफेंस में कोतवाली प्रखंड 10 की सेक्टर वार्डन हूँ, मिस रितिका मिश्रा, और आज हमारे यहाँ महिलाओं को सम्मानित किया गया है सिविल डिफेंस की तरफ से क्योंकि हमारा 60वां स्थापना दिवस के तौर पे जो महिलाओं ने रैली निकाली थी और बाकी सिविल डिफेंस की टीम ने, तो उसमें बहुत ही जोर शोर से महिलाओं ने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था जिसकी वजह से हमारे कोतवाली प्रखंड को ढेर सारे सम्मान से नवाजा भी गया है। इसके तहत हमें आज महिलाओं वार्डन्स का सारा सम्मान किया गया है जिससे हम काफ़ी खुश हैं और इससे हमारी महिलाओं में एक ऊर्जा आएगी नए कामों को करने का, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा, प्रोत्साहित हुई भी हैं काफ़ी और लोगों में काफ़ी उत्साह है सम्मान को प्राप्त करके, आगे भी हम ऐसे अच्छे काम करते रहेंगे और सम्मानों को प्राप्त करते रहेंगे। मैं बाकी महिलाओं से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि वो भी अपनी दैनिक जीवन के कार्यों के अलावा भी अपने दैनिक जीवन के कार्यों के अलावा भी देश के प्रति अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए कुछ ना कुछ देश के लिए उन्हें करना चाहिए। परिवार के लिए हम कर ही रहे हैं तो कल अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहिए जिससे हमें एक ऊर्जा मिले और दूसरों के जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें, अपने जीवन को धन्य बना सकें। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश सिंह, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस। आज अग्रवाल भवन में नागरिक सुरक्षा की जो महिला टीम है, महिला विंग है, जो जिसके कोऑर्डिनेटर मनोहर सुल्ताना जी हैं, उस टीम की एक कोतवाली प्रखंड की लगभग 30 महिलाओं को आज सम्मान दिया गया। किसी कारणवश वो हमारे यहाँ जो स्थापना दिवस कार्यक्रम में जो महिलाएं छूट गई थी उनका सम्मान होना था, तो एक तो ये था। इसी तरह की हमारी तीनों प्रखंड की इस तरह की टीम है और उसको हम लोग समाज में और बेहतर करने के लिए नागरिक सुरक्षा के कार्य हेतु, सामाजिक कार्य हेतु इनको आगे बढ़ा करके और एक लीडरशिप दे करके इनके माध्यम से हम लोग और आशा के अनुरूप और इनकी जो भी कैलिबर है काम करने की, चूँकि ये ट्रेंड महिलाएँ हैं, डिजास्टर में चाहे फायर फाइटिंग हो, चाहे फर्स्ट एड हो, चाहे रेस्क्यू हो, ये कर लेती हैं, तो यही चीज़ आगे भी ये कैरी करेंगी समाज में, इसकी बहुत आवश्यकता है। हम लोग ने बहुत इसकी आवश्यकता महसूस की थी, इसीलिए तीनों डिवीज़न में हमने खड़ा किया है मनोहर सुल्ताना जी के कोऑर्डिनेशन में, तो ये हमारे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है और इनके लिए अच्छा है क्योंकि एक ये क्वालिटी पीपल, मतलब कह सकते हैं कि इनके पास एक दक्षता है और इस दक्षता का प्रमाण पत्र पहले भी हम लोग दे चुके हैं, तो यही आज उनका एक सम्मान होना था। जो हमारे डिप्टी चीफ वार्डन डॉक्टर सरस श्रीवास्तव जी, जो कि आप जान रहे हैं हमारे सेकेंड इन कमांड है, इनकी अध्यक्षता में और ये कार्यक्रम किया गया है। विकास जालान जी हैं, जितेंद्र उपाध्याय जी हैं और हमारे एक सीनियर गेस्टेड ऑफिसर वेद प्रकाश जी, जो कि हमेशा इन सब कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, इन सब को लेकर के हम लोगों ने एक सम्मान समारोह किया। थैंक यू वेरी मच। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होगा स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव। प्रदेश सरकार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा करवाएगी उपलब्ध। पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने दी जानकारी। मंगलवार को जनपद की 5 सरकारी अस्पतालों सहित नंदानगर स्थित टीवी अस्पताल पर मॉक ड्रिल कर किया गया कोरोना से जंग की तैयारियों की समीक्षा। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा 108 बिंदुओं पर तैयारियों की कसौटी पर पूरी की गई रिहर्सल। मॉक ड्रिल के बाद रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अस्पतालों में उपकरण और अन्य व्यवस्थाओं की कमियों को किया जाएगा दुरुस्त। गौ तस्करी करने वाले 50,000 के इनामी अभियुक्त तौसीफ आलम को गोरखपुर के एसटीएफ इकाई की टीम ने किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल, 1 आधार कार्ड, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 1 रेलवे टिकट, 230 रुपया नकद किया बरामद, भेजा जेल। रविवार की रात युवती ने फंदे से लटक कर की आत्महत्या। मामला गोरखनाथ थाना क्षेत्र का एसएसपी ने कहा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। परिजनों की तहरीर पर किया गया मुकदमा पंजीकृत, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही।
अपने साथी को दावत के बहाने बुलाकर हत्या करने वाले काजन मिश्रा उर्फ विशाल मिश्रा व उसके अन्य तीन साथियों मुन्ना उर्फ दिनेश, शैलेंद्र यादव, प्रदीप कुमार के ऊपर कोतवाली थाने के पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी सिटी ने दी जानकारी। मारपीट व धोखाधड़ी करने वाले गैंग लीडर समेत चार अपराधियों प्रशांत कुमार भारती, रियाजुद्दीन, अचलाल और अमित कुमार के ऊपर चौरी चौरा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एएसपी सीओ चौरी चौरा ने दी जानकारी। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड दिल्ली के निर्देश पर नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने महानगर के कई जगहों पर पॉलीथीन के खिलाफ चलाया अभियान। प्रतिबंधित पॉलीथीन को किया गया जब्त, काटे गए चालान, वसूला गया जुर्माना। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के तत्वावधान में अटल भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में कई कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर अटल जी के जीवन पर सुनाई कविता। प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को किया जाएगा सम्मानित। गोविंद सिंह के चारों साहबजादे एवं माता गुर्जर कौर के शहीदी को समर्पित जटाशंकर गुरुद्वारे में कीर्तन का किया गया आयोजन। चारों साहबजादों का किया गया वर्णन। और नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रखंड की महिला वार्डनों के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। 30 महिला वार्डनों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। सिविल डिफेंस के उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह ने कहा, निस्वार्थ सेवा भाव से नागरिक सुरक्षा के हर सदस्य आपदा व सामाजिक गतिविधियों में निरंतर प्रदान करते रहते हैं अपना सहयोग। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।